हेलो दोस्तों, वेलकम टू वन ओल्ड न्यू वीडियो। दोस्तों बात करेंगे बी एस एन एल की सिम की कि भाई आज हम इसमें टेस्टिंग करेंगे बी एस एन एल के सिम की, भाई स्पीड कैसी है, अगर आप कॉल करते हो तो कॉल करने में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, नेट की स्पीड कैसे चलेगी, कहाँ से आप इसको बाय करोगे, कितने रुपये में आपको मिलेगा, पोर्ट करवाते हो तो कितने रुपये मिलेगा, कितने जीबी में डाटा मिलेगा, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों मैंने ये बी एस एन एल का सिम आप देख रहे हैं, मैंने खरीदा था अभी, क्योंकि भाई 3 जुलाई 2024 में अपना जो भी सारी टेलीकॉम कंपनी जैसे जियो, एयरटेल, बिस और वोडाफोन, इन्होंने सबने अपना प्राइस 25% हाइक कर दिया, यानी 25% प्राइस इंक्रीज कर दिया। तो भाई एक प्रॉब्लम आ गई थी भाई सभी के साथ कि भाई 700-800 रुपए का सिम खरीदना, 3 महीने का रिचार्ज करना, और हर किसी के जो फैमिली में है 2 से 3 मेम्बर तो होते ही होते हैं, तो भाई अगर 700 का रिचार्ज है तो भाई कम से कम 2100 रुपये करीब बैठा 3 महीने का, तो भाई मतलब बहुत ज़्यादा खर्चा हो चुका था। तो ऐसे में एक ही सबके पास एक ही ऑप्शन था कि BSNL, लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम थी BSNL में कि भाई क्योंकि इसकी रेंज अच्छी नहीं है, इसके टावर इतने लगे हुए 4G इसमें, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि भाई अगर आपको लगता है भाई ये 4G 5G है, नहीं, अभी 4G के टावर इसके इंस्टॉल हो रहे हैं, 4G नहीं है, अभी 3G है, कुछ जगह 4G के टावर इंस्टॉल हो गए हैं, कुछ जगह नहीं हुए हैं, 5G तो इसमें भूल जाए, 5G तो इसमें नहीं है, जबकि आपको पता है एयरटेल, वोडाफोन और जियो, तो भाई इनमें क्या चल रहा है, 5G चल रहा है, लेकिन इसमें 5G नहीं है, अभी 3G चल रहा है, तो वही सारी टेस्टिंग करेंगे। तो भाई ये मैंने ख़रीदा था और लगभग 24 घंटे बाद ये चला है, तो कॉल देखेंगे कॉल कैसे जा रही है, नेटवर्क की स्पीड किस तरह की है, कहाँ से बाय करके, सबसे पहले बात करते हैं बाय कहाँ से करोगे। तो भाई आप या तो एक्सचेंज, अगर आपके आसपास BSNL की एक्सचेंज है तो वहाँ से बाय कर सकते हैं, वहाँ से आपको मिल जाएगा, नहीं तो आपने देखा होगा बहुत सारे स्टोर लगे रहते हैं बाहर, देखा होगा आपने एयरटेल जो के जो सिम बेचते हैं तो वह भी BSNL के सिम भी उनके पास है, ज़रूरी नहीं कि भाई अगर उन्होंने लिखा है BSNL के सिम तो जब ही मिलेंगे, एयरटेल जियो जो बेच रहा है वो BSNL की सिम ही बेच रहा है, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। अब कितने रुपये का पड़ेगा भाई, न्यू सिम खरीदना है, अगर आपको नया सिम खरीदना है तो 149 रुपये का मुझे पड़ा था ये, और इसे 45 दिन के लिए है, 2 GB डाटा पर डे, 2 GB डाटा पर डे मिलेगा, वो 149 रुपये का और 45 दिन के लिए। अगर आपको पोर्ट करवाना है, आपके पास कोई भी नंबर है जियो का एयरटेल का, आपको पोर्ट करवाना है तो भाई आपको 100 रुपये में पड़ेगा, 100 रुपये में आपका पोर्ट हो जाएगा, और वही 2 GB डाटा प्रतिदिन मिलेगा वो 45 दिन के लिए। तो भाई एक तो ये आप यही 2 GB डाटा अगर और किसी इसमें लोगे 45 दिन के लिए तो भाई 600-700 रुपये का पड़ेगा वो एयरटेल जियो में, लेकिन यहाँ पे कितना मिल रहा है 149 रुपये में, यानी कि आपको सिम भी मिल रहा है और BSNL का सिम भी मिल रहा है और डाटा मिल रहा है। तो चलो ये बात सोल्व हो गई। इसके बाद भाई आपने ख़रीद लिया, बता दिया मैंने कि हाँ इतने रुपये खरीदा, अब बात ये है कि भाई चलो हम ख़रीद लेते हैं, लेकिन अब वो पता कैसे लगेगा भाई कि आपके जो एरिया में है इसकी ये अवेलेबल है नहीं है, टावर है नहीं है, क्योंकि भाई आपने ले लिया और टावर नहीं है या स्पीड नहीं है 4G की या 5G चल रहा जो भी कुछ है, तो भाई एक बार ये टेस्ट तो करनी पड़ेगी आपको। तो उसके लिए मैं लास्ट में बताऊँगा, एक ऐप बताऊँगा, उस ऐप में आप जाके आपको किसी भी एरिया का, आप यूपी या भी कहीं भी किसी भी एरिया से हो, अगर वो आप डालोगे तो पता लग जाएगा भाई आपके वहाँ पे BSNL हो या वोडाफोन हो, कोई भी नेटवर्क हो, आप सभी नेटवर्क को टेस्ट कर सकते हैं भाई आपके एरिया में वो नेटवर्क अवेलेबल है नहीं है, वो लास्ट बताऊँगा वीडियो के बारे में। तो भाई अब इसकी टेस्ट कर लेते हैं। हाँ एक बात हो रहा है भाई, अगर आप न्यू सिम लेते हो तो आपको ये 5G मिलेगा, 5G लिखा मिलेगा यहाँ पे, यानी कि आगे अभी टावर लग रहे हैं, अभी लगभग इसके 8 से 10 हज़ार सिम पर दिन बिक रहे हैं, 8 से 10 हज़ार सिम, और लगभग 7 दिनों में 20-25 हज़ार सिम बिक जाते हैं, और इसके 4G टावर भी स्टोर हो रहे हैं, बहुत जगह स्टोर हो रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अभी TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के साथ इन्होंने थोड़ा अपना वो किया है, तो उन्होंने इसके साथ वो किया है, क्या बोलते हैं उसको, मेमोरेंडम या MOU किया है, और अब क्या है TCS इसकी हेल्प करेगा 4G टावर लगाने में, क्योंकि एक IT सेक्टर की कंपनी TCS, तो इसका 4G टावर को इंस्टॉल करने में, उसकी सर्विस प्रोवाइड करने में, तो टाटा भी इसके साथ लग रहा है, तो यानी कि ऐसा नहीं मानना कि BSNL भाई अभी नहीं है, तो आगे भाई ये अच्छी सर्विस देने वाला है, क्योंकि टावर इसके इंस्टॉल हो रहे हैं, 5G भी काम चल रहा है, पूरी स्पीड से काम चल रहा है फिलहाल, वो देख रहे होंगे। अब कम खर्च में, कम पैसों में फिलहाल हमारे पास यही ऑप्शन है, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको अपग्रेड होने में, अभी इसकी इतनी फैसिलिटी नहीं है, इतना रेंज भी नहीं है, इंटरनेट की स्पीड भी इतनी है, तो चलो अब इसकी टेस्ट करते हैं। तो भाई यहाँ मैं बता रहा था कि अगर आप नया सिम खरीदो तो आपको 5G मिलेगा, लेकिन पोर्ट वाले में आपको खाली 4G मिलेगा, 4G लिखा मिलेगा, नहीं 4G सिम मिलेगा, यानी बाद में वो अपग्रेड करवाना पड़ सकता है, लेकिन अभी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होगी, अभी 5G चला ही नहीं यार, 4G नहीं चला तो 5G कहाँ चलेगा, अब ये 3G चल रहा है, 3G में H प्लस लिखा रहा है, अगर आप सिम यूज करोगे तो 3G तो लिखा नहीं आएगा, लेकिन रेंज के पास एच प्लस लिखा है, जैसे आपके में 4G LTE लिखा है, इसमें एच प्लस का क्या होता है, ये 3G से बड़ा और 4G से कम, यानी 3G और 4G के बीच में इसकी स्पीड रहेगी,
हमने इसमें कॉलिंग टेस्ट करते हैं, इसकी कॉलिंग टेस्ट कैसी है। वैसे हमने टेस्ट की थी, कॉलिंग इसकी अच्छी है, मतलब कि अच्छी आवाज़ आ रही है इसमें। अब इसकी हम बात करते हैं। मैंने फिलहाल ये सिम डाला हुआ है अपने इसमें, फ़ोन में डाला हुआ है। तो भाई इसकी नेटवर्क की स्पीड कितनी आ रही है, अगर यूट्यूब चलाते चल पा रहा है नहीं चल पा रहा, तो वो टेस्ट करते हैं। तो भाई ये मैंने अपने फ़ोन में फिलहाल ये जो देख रहे हो आप यहाँ पे, ये BSNL का ही है। ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये जो रेंज दिख रही है आपको केवल ये 2 HP लिखा रहा है इसमें, तो ये आप देख पा रहे हो। थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं, तो ये जो लिखा रहा है दो ही टावर आ रहे हैं, BSNL का है इधर, ये जियो का है इधर। तो भाई अगर स्पीड की बात करें इसमें, देखो ये स्पीड लिख के आ रही है 2 KB/s। तो अभी इसमें देखते हैं कुछ भी सर्फिंग करके देखते हैं, जैसे कुछ भी डाल के देख लेते हैं फिलहाल। जैसे ये हमने डाला तो देखो अभी स्पीड का टेस्ट का पता लग जाएगा आपको। कभी कभी तो इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा आ जाती है, कभी कभी बिल्कुल नहीं आती। देखो अभी कुछ नहीं आ रही है, बहुत देर हो गई है। तो ये थोड़ा देखो नेटवर्क बहुत लैग कर रहा है इसका, क्योंकि आप वो देख रहे हो 12 KB/s चल रहा है ओनली, 44 KB। अब देखो वोल्ट भी लिखा आ रहा है, अब वोल्ट भी लिखा आ रहा है इसमें, लेकिन ये वोल्ट है ये तो जियो के लिए है, सेकंड सीरीज के लिए, लेकिन फर्स्ट के लिए HP लिखा आ रहा है। देखो नो इंटरनेट लिखा आ रहा है। तो थोड़ी प्रॉब्लम अभी इसमें के साथ रहेगी, अभी रिफ्रेश कर देता हूँ, रिफ्रेश करने के बाद देखते हैं। तो भाई अब जो आप देख रहे हो तो इसकी वही चला गया, टावर ही चले गए यहाँ पे। तो अभी जो कहानी थोड़ी इस तरह की है, टावर ही चले गए हैं। तो अगर मैं थोड़ा बाहर लेके जाता हूँ थोड़े टावर आ जाएंगे। अब मैंने रिफ्रेश किया तो टावर ही नहीं आ रहे, तो चलिए इसे थोड़ा बाहर लेके देखते हैं। तो यहाँ पे देखो अब यहाँ पे जाकर इसकी रेंज आई है थोड़ी सी, लेकिन अंदर अगर आप कहीं अंदर कमरे में जाते हो तो वहाँ पे इसकी रेंज भी नहीं है। तो ये प्रॉब्लम इसके साथ है। तो यहाँ थोड़ा सर्फिंग करके देखते हैं, कुछ डाल के देखते हैं। देखो यहाँ पे कुछ चल भी नहीं रहा है। तो दोस्तों जैसे कि आपको चेक करना है कि भाई जो आपका एरिया है उसमें नेटवर्क अवेलेबल है नहीं है, तो आपको गूगल पे जाना है और यहाँ पर लिखना है नेटवर्क रेंज चेकर, ये लिखना है नेटवर्क रेंज चेकर। तो जो सबसे पहले जो साइट आएगी ये वाली, इसको ओपन कर लो। इसके बाद यहाँ पे से को कट कर दो। यहाँ पे कैरियर, जैसे आपको जिसका भी चेक करना हो, जैसे मुझे BSNL का चेक करना है, यहाँ पे जिस भी एरिया का मुझे चेक करना है, जैसे मुझे ओमिक्रोन, मैं डालूँगा ओमिक्रोन, मतलब जो भी आपका एरिया है वो आप डाल दोगे यहाँ पे, जाकर आपको चेक करना है। तो यहाँ पे देखो ये आ गया, पूरा ग्राफ आ गया बन के। इसको आप यहाँ पे जूम भी कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो ओमिक्रोन 2 जो मेरी कॉलोनी है, यहाँ पे कोई भी नेटवर्क नहीं है, कुछ भी नहीं नेटवर्क है। जबकि इधर मैं देखता हूँ अच्छर मार्केट में Sector 5 में, यहाँ पे इनका नेटवर्क है। तो अभी आप थोड़ा और नीचे आओगे, यहाँ पे जाओ, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, अगर ये ब्लैक कलर का है तो कोई यानी कोई नेटवर्क नहीं है, ब्लू है तो 2G नेटवर्क है, ग्रीन कलर का साइन है तो 3G है, अगर ये थोड़ा ऑरेंज है तो 4G, और ये जो रेड है पिंक जैसा तो ये है 4G, और ये है 5G का कलर। तो जैसे मैं फिलहाल देख रहा हूँ, जैसे Sector 5 में दिखा रहा है, ये ऑरेंज दिखा रहा है, यानी Sector 5 में क्या है 4G का नेटवर्क है, ऐसा ये कह रहा है। तो इस तरह आप चेक कर सकते हो भाई अलग अलग। चलो किसी और चीज़ का हम चेक कर लेते हैं फिलहाल, जैसे ये मुंबई का डाल लेते हैं, जो मुंबई जो अभी लिखा है। तो ये इस तरह आप चेक कर सकते हो भाई, जहाँ भी ग्रीन लिखा आएगा वो इस तरह आप चेक कर सकते हो। तो इस तरह आप अपने एरिया में पहले चेक कर सकते हो, यानी सिम बाय करने से पहले आप पहले चेक कर लो कि भाई अपने एरिया में नेटवर्क है नहीं है। तो भाई फाइनली जो हमने टेस्टिंग कर ली है,
देखो अगर हम कॉल करते हैं कॉल में तो इसकी वॉल्यूम सही है, कॉल में कोई दिक्कत नहीं है, यानी अगर आपको कॉलिंग के लिए लेना है तो भाई ले सकते हो। लेकिन अगर नेटवर्क भाई 4G नेट चलाना है जिस तरह आप वोडाफोन एयरटेल पे चला रहे हो भाई, तो इसमें वो फिलहाल ऐसी कोई फैसिलिटी इसमें नहीं है, आपकी रेंज भी नहीं आती, नेट भी नहीं चलेगा, तो इसमें थोड़ी प्रॉब्लम है। अभी जो कि नेटवर्क अपडेट हो रहे हैं, टावर लग रहे हैं, तो इसमें प्रॉब्लम है। बाकी मैंने आपको बता दिया है कि भाई जब भी अगर आपको खरीदना है तो अपने जो मैंने ऐप बताई है उस ऐप पर जाकर आप चेक कर सकते हो कि आपके एरिया में नेटवर्क अवेलेबल नहीं है। तो भाई वीडियो को लाइक कर लेना, अगर आपको वीडियो से कुछ फायदा मिले, कुछ सीखना मिले, तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ऐड कर दे वीडियो को।